हेलो गाइस, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज निकली हूँ बाहर घूमने के लिए। और फिर मैं सबसे पहले आई कुछ हेल्दी हेल्दी सा जूस पीने के लिए। एंड ये जूस है गन्ने का जूस और ये काफ़ी हेल्दी होता है, तो मैं सोची इससे स्टार्ट करते हैं फिर। और गाइस, गन्ने के जूस की एक अच्छी बात ये है कि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन होती है, और ये आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो ये खाने के बाद फिर आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं गई क्या खाने के लिए। मैं मोमोज खाने के लिए अपना मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम को बर्बाद करने के लिए। सो गाइस, मैं आ गई यहाँ पे मोमो हाउस पे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ये जो है, ये एरिया का नाम है खलीफा बाग, भागलपुर, बिहार। और काफ़ी ट्रेंडी सा प्लेस है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ ऑफ खाना मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मोमो मिला, ये बहुत टेस्टी मोमोज है यहाँ का। सो गाइस, ये टेस्टी सा मोमो ट्राई करने के बाद मुझे लगा मुझे कुछ और यहाँ का खाना एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड सच बताओ गाइस, तो मुझे यहाँ का मोमोज जो है ना, मन करा था कि और खा लूँ मैं, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी था। तो गाइस, इसके पास में एक स्ट्रीट फूड मुझे दिखा जिसमें था भेलपूरी, तो मैं आ गई भेलपूरी टेस्ट करने के लिए। एंड वहाँ पे हमें ये बच्चा मिल गया जो कि खाना मांग रहा था, तो मेरी बहन ने उसे एक एप्पल दे दिया। एंड गाइस, आप मुझे बताओ कि आप लास्ट टाइम भेलपूरी कब खाए थे, एंड आपको क्या भेलपूरी पसंद है। गाइस, मैं तो बचपन के बाद आज ही खा रही हूँ भेलपूरी, और यहाँ का भेलपूरी मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं जब बचपन में खाई थी तो उसमें बस मूढ़ी और थोड़ा उसमें सॉस और आलू ही था। तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था उस टाइम बचपन में कि ये भेलपूरी मतलब पूरी होगा और सब्जी होगा, बट इसमें था क्या, उसमें मूढ़ी था। तो वो तभी मेरे साथ वो मिसकॉन्सेप्शन हो गया था गाइस, बट अब मुझे पता है कि भेलपूरी क्या होता है। तो यहाँ का मुझे उस टाइम से अच्छा लगा, मतलब उसके बाद तो मैंने सोच ही नहीं थी कि मैं कभी खाऊंगी नहीं, बट आज मैं ट्राई कर रही हूँ भेलपूरी, तो यहाँ का मुझे अच्छा लगा। काफ़ी इन्ग्रीडियंट डाला था भैया ने इसमें, मतलब इतना कुछ डाला था ना, मैं क्या बताऊँ। एंड उसके बाद मैंने जो ये सॉसेस देखा ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या मुझे खाना चाहिए, मतलब पता नहीं उसमें क्या होगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये एक खट्टा वाला जो टैमरिंड होता है, इसे क्या बोलते हैं, यस, इमली। तो ये इमली का चटनी था, और ये पता नहीं किस चीज़ का चटनी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। या फिर ये सॉस जैसा ही लग रहा था, बट टमाटर का तो चटनी नहीं होगा। सो गाइस, मैंने भैया से पूछा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मग्न थे अब ये बनाने में। मतलब आप देख सकते हो कि इनका फेसियल एक्सप्रेशन क्या सही आ रहा, मतलब मैं एकदम लीन होके बना रहा हूँ वैसा लग रहा था बिल्कुल। सो गाइस, ये भेलपूरी भी बनके रेडी हो गया, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाला गया इसमें। एंड टेस्ट वाइज मैं बोलूँगी कि ये अच्छा था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। सो गाइस, मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे ये भेलपूरी घर पे एक बार ट्राई करना चाहिए, मीन्स बना के। तो मैं ज़रूर इसे एक बार बनाऊँगी, एंड वो वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। एंड गाइस, ये भेलपूरी भी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो मैं जब ये भेलपूरी खा रही थी ना, मतलब स्टार्ट कर रही थी खाना, तो मैं सोची इसका चम्मच है कहाँ, तो मुझे इन्होंने ये चम्मच दिया। कितना क्रिएटिव है ना ये चम्मच बिल्कुल। तो आप लोगों ने कभी ऐसे खाया है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड गाइस, ये खाने के बाद फिर मुझे मन किया कि कुछ मीठा खाया जाए, क्योंकि काफ़ी नमकीन हो गया था गाइस। तो मैं आ गई यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, वो भी यहीं पे था पास में। तो काफ़ी ट्रेंडिंग सा यहाँ का इनका शॉप है आइसक्रीम का, तो मैं आइसक्रीम खाने आई यहाँ का। तो ये हमने पिस्ता बादाम वाला आइसक्रीम खाया, क्योंकि मुझे पिस्ता बादाम बहुत पसंद है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब।